नमस्कार, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल कुमार फाइनेंस पर। 12 मार्च 2021 को एक न्यूज फ्लैश हुआ था, या यूं कहें कि रूमर फ्लैश हुआ था, जिसके बाद से टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के शेयर में जबरदस्त उछाल देखने को मिला था और इसमें करीब एक दिन में 5.5% के आसपास हाइक देखने को मिला था। हालांकि उस दिन का ट्रेडिंग सेशन देखा जाए तो सेंसेक्स हो या निफ्टी हो, निगेटिव क्लोज हुआ था, लेकिन इसका इम्पैक्ट इसके शेयर प्राइस पर नहीं पड़ा। जो रूमर निकल के आया था टाटा पावर और टेस्ला के पैक्ट के बारे में, हालांकि फर्दर टाटा पावर कंपनी लिमिटेड ने डिनाई किया था, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसा स्कोप वो छोड़ गए कि जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि टाटा पावर और टेस्ला में जरूर कुछ ना कुछ पक रहा है। वो रूमर क्या था और टाटा पावर कंपनी ने कैसे उसको डिनाई किया है, और क्या ऐसा स्कोप उन्होंने छोड़ दिया जिसके बेसिस पर कहा जा सकता है कि आने वाले फ्यूचर में निश्चित ही इनके बीच कुछ ना कुछ एग्रीमेंट होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से वो पूरा डिटेल हम जानेंगे। इसके अलावा रिसेंट में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं इस कंपनी के बारे में, जिसकी वजह से इसके शेयर प्राइस में लगातार ग्रोथ देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले मैं इस पर एक वीडियो बनाया था और उसमें दावे के साथ कहा था कि टाटा पावर आने वाले फ्यूचर में मल्टीबैगर बनने वाला है, जब इसका शेयर प्राइस मात्र 79 या 80 रुपीज के आसपास चला करता था। वो वीडियो बनाए बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ, मात्र 1.5 महीना के आसपास हुआ होगा, और वहां से इसमें देखा जाए तो करीब 40% का ग्रोथ देखने को मिला है। उम्मीद करता हूँ वो वीडियो देखने के बाद जो लोग इस शेयर को बाय किए होंगे उनको भी अच्छा रिटर्न मिला होगा, अगर अभी तक इस शेयर के साथ बने होंगे तो। आने वाले टाइम में टाटा पावर कंपनी लिमिटेड का शेयर का परफॉर्मेंस कैसा रह सकता है, क्या अभी भी इस शेयर में काबिलियत है मल्टीबैगर बनने की, और क्या कुछ फैक्टर्स है जो इस शेयर के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आने वाले फ्यूचर में, ये पूरे डिटेल जाने उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं या अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी कोई क्वालिटी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पिछले 8-10 सालों का रिकॉर्ड देखा जाए तो टाटा पावर के शेयर ने उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है, या कहा जा सकता है एवरेज या बिलो एवरेज परफॉर्मेंस दिया है अपने शेयर इन्वेस्टर को। लेकिन रिसेंट पास्ट की बात किया जाए तो इस शेयर ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है और अपने इन्वेस्टर को अच्छा खासा रिटर्न दे चुका है। कमिंग फ्यूचर में इस शेयर कैसा परफॉर्मेंस देने वाला है और उसके क्या कारण रहने वाले हैं, ये जाने उसके पहले एक नजर हम डाल लेते हैं इसके प्राइस परफॉर्मेंस और वॉल्यूम एनालिसिस पर। पिछले एक सप्ताह में इस शेयर ने करीब 5.5% का रिटर्न दिया है, 1 मंथ के बाद किया जाए तो ऑलमोस्ट 30% का रिटर्न दिया है, 3 महीना में करीब 56% का रिटर्न, पिछले 1 साल में 181% के आसपास रिटर्न, जबकि 3 साल में एवरेज परफॉर्मेंस देते हुए मात्र 40% का रिटर्न दिया है। वॉल्यूम एनालिसिस में जो भी डेटा दिया हुआ है एनएससी और बीएससी मिलाकर है। टुडे ये 12 मार्च 2021 का डेटा है, और जैसा कि मैंने बताया एक रूमर आया था इस कंपनी के बारे में, जिसकी वजह से इसके शेयर में जबरदस्त क्वांटिटी ट्रेड होती हुई दिख रही है और ये करीब 18 करोड़ के आसपास निकल कर आ रहा है। डिलीवरी के परसेंटेज कोई खास नहीं है, मात्र 16% के आसपास है। वैसे ही देखें अगर पिछला रिकॉर्ड तो इसमें ट्रेडिंग का क्वांटिटी तो आपको जबरदस्त देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं पे भी आपको बहुत ज्यादा डिलीवरी का परसेंटेज देखने को नहीं मिल रहा है। 1 वीक या 1 मंथ का भी एवरेज डेटा देखा जाए तो हमेशा आपको ट्रेडिंग क्वांटिटी ज्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन डिलीवरी का परसेंटेज काफी लो देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये 18% और 20% के आसपास निकल कर आ रहा है। कहा जा सकता है इस शेयर में लगातार लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं और प्रॉफिट बुक करके निकलते जा रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत कम लोग इस शेयर को होल्ड कर रहे हैं। ये रहा टाटा पावर का प्राइस एंड वॉल्यूम एनालिसिस रिसेंट पास्ट का। आगे बढ़ते हुए उन न्यूज पर एक नजर हम डाल लेते हैं जो रिसेंट पास्ट में इस कंपनी के बारे में आया है और जिसका इंपैक्ट इस कंपनी के परफॉर्मेंस और इसके शेयर प्राइस पर आने वाले फ्यूचर में पड़ सकता है। 12 मार्च 2021 को एक न्यूज आया था और सीएनबीसी द्वारा ऐसा बताया जा रहा था कि टाटा पावर और टेस्ला के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, और उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग टाटा पावर और टेस्ला आने वाले फ्यूचर में मिलकर काम करेंगे और इंडिया में ईवी चार्जिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, जिसको लेकर टाटा पावर ने बाद में डिनाई किया है कि ऐसा कोई एग्रीमेंट उन्होंने टेस्ला के साथ साइन किया है। हालांकि टाटा पावर ने जिस तरह से डिनाई किया है टेस्ला के साथ एग्रीमेंट को लेकर, इसमें उन्होंने कुछ स्कोप भी छोड़ रखा है, जिसको लेकर ऐसा कहा जा सकता है हो सकता है टाटा पावर और टेस्ला के बीच में एग्रीमेंट अभी साइन नहीं किया हो, लेकिन निश्चित ही इसको लेकर कुछ न कुछ डेवलपमेंट चल रहा है। हो सकता है ये इनिशियल स्टेज में हो और आने वाले फ्यूचर में ये एग्रीमेंट का शेप ले ले। टेस्ला के साथ एग्रीमेंट को लेकर टाटा पावर ने डिनाई करते हुए अपने लेटर में बताया है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड को, जो न्यूज सीएनबीसी टीवी 18 द्वारा फ्लैश किया जा रहा है, इसमें बहुत ज्यादा सच्चाई नहीं है, क्योंकि टाटा पावर या टेस्ला कोई भी ऐसा एग्रीमेंट अभी तक नहीं किया है। टाटा पावर ने अपने क्लैरिफिकेशन में कहा है वो अपने ईवी चार्जिंग बिजनेस को लेकर कॉन्शियस तो है और कॉन्स्टेंटली बहुत सारे अपॉर्चुनिटी को एग्जामिन कर रहे हैं, और साथ ही बहुत सारे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं ताकि इस बिजनेस को आगे बढ़ाया जा सके। हालांकि इसको लेकर कोई अरेंजमेंट या एग्रीमेंट अभी तक फाइनलाइज नहीं किया गया है, जैसा कि मीडिया में बताया जा रहा है टेस्ला के साथ।
इसलिए टाटा पावर द्वारा ये कंफर्म किया जा रहा है। जो न्यूज फ्लैश हो रहा है सीएनबीसी टीवी 18 पर, इसमें सच्चाई नहीं है और ये इनकरेक्ट है। लेकिन एक रिपोर्ट के साथ ऐसा बताया जा रहा है कि टाटा पावर और टेस्ला के बीच में इनिशियल स्टेज में बातचीत चल रही है। हालांकि इसका अभी तक अरेंजमेंट फाइनलाइज नहीं किया गया है, जो कि टाटा पावर भी डिनाई कर रहा है। लेकिन जैसा कि समझा भी जा सकता है, टाटा पावर ने एग्रीमेंट को लेकर डिनाई तो किया है, लेकिन वो इसके बारे में कुछ नहीं बता रहा है। क्या कोई डेवलपमेंट हो रहा है या कोई बातचीत टेस्ला के साथ इनिशियल स्टेज में है या नहीं, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है उसको लेकर जो डिस्कशन चल रहा है वो इनिशियल स्टेज में है, इसलिए टाटा पावर बहुत ज्यादा इसको लेकर अभी बातचीत करना नहीं चाहता। टाटा पावर और टेस्ला के बीच में अगर कोई एग्रीमेंट फाइनलाइज होता है तो निश्चित ही टाटा पावर और टेस्ला के लिए बहुत बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होगी इंडिया में, क्योंकि जब दुनिया के ये दो बड़ी कंपनियां एक साथ मिलकर किसी फील्ड में काम करेंगे, मार्केट में किसी भी कंपटीटर के लिए आसान नहीं होगा इनके साथ कम्पीट करना उस पर्टिकुलर फील्ड में। दूसरा न्यूज जो टाटा पावर लिमिटेड के लिए बहुत बड़ा और पॉजिटिव लेकर आया है, इसने एक एग्रीमेंट साइन किया है टीपी सौर्या और टाटा स्टील लिमिटेड के बीच में, जिसके हिसाब से जो इसकी सब्सिडियरी है टीपी सूर्या वो टाटा स्टील को सोलर पावर प्लांट के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगी जमशेदपुर झारखंड में। हम सभी जानते हैं टाटा स्टील लिमिटेड भी टाटा ग्रुप की एक सब्सिडियरी कंपनी है और इंडियन मार्केट को देखा जाए तो मेटल क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा स्टेक है। इस एग्रीमेंट का सीधा सा मतलब है आने वाले फ्यूचर में टाटा पावर लिमिटेड का बिजनेस बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा और उसका गारंटी रिफ्लेक्शन इसके शेयर प्राइस पर भी देखने को मिलेगा। टीपी सूर्या लिमिटेड जो टाटा पावर की होली ऑन सब्सिडियरी है, इन्होंने जो एग्रीमेंट साइन किया है पावर परचेज एग्रीमेंट टाटा स्टील लिमिटेड के साथ, इसके हिसाब से इसको 15 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट डेवलप करना है जमशेदपुर में, जैसा कि इस कंपनी ने अपने स्टेटमेंट में बताया है। ये एनर्जी या जो पावर सप्लाई होने वाली है टीपी सूर्या द्वारा टाटा स्टील को, और इसके अकॉर्डिंग जो पीपीए बनाया गया है इसकी वैलिडिटी 25 साल तक रहने वाली है कमर्शियल ऑपरेशन डेट से। इस पीपीए के तहत जो प्लांट लगने वाला है जमशेदपुर में, ऐसा बताया जा रहा है कि इससे करीब 32 मिलियन यूनिट्स एनर्जी पर ईयर जनरेट होगा और उसमें ऐसा माना जा रहा है कि करीब 25.8 मिलियन केजी का ऑफसेट होगा, यानी उसका सप्लाई किया जा सकेगा। देखा जाए तो टाटा पावर का रिन्यूएबल कैपेसिटी अब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और ये करीब 4047 मेगावाट के आसपास पहुंच जाएगा ये प्लांट कमीशनिंग होने के बाद, जिसमें 2687 मेगावाट का प्लांट ऑपरेशनल है, 1360 मेगावाट अंडर इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है और ये 15 मेगावाट का पीपीए जो रिसेंट में इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है। तीसरा न्यूज और बड़ा डेवलपमेंट जो इस कंपनी के बारे में आ रहा है, टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन ने ऑस्ट्रेलियन टेक फॉर्म पावर लेजर के साथ एग्रीमेंट किया है और इसके अकॉर्डिंग ये पीयर टू पीयर सोलर एनर्जी का ट्रेडिंग करेंगे पूरे दिल्ली में। टाटा पावर डीडीएल और पावर लेजर जो कोलाबोरेशन कर रही है इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम के साथ पीयर टू पीयर सोलर एनर्जी ट्रेडिंग के लिए, ऐसा बताया जा रहा है ये एक तरह का फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट है दिल्ली में। देखा जाए तो टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी ज्वाइंट वेंचर में काम कर रही है टाटा पावर और गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी के साथ, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है पूरे दिल्ली में और ऑलमोस्ट ये 7 मिलियन पॉपुलेशन को कवर करती है। दोस्तों ये तो रहे टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के बारे में जो रिसेंट में डेवलपमेंट हुआ है। इसके पहले भी कंपनी में बहुत सारे डेवलपमेंट हो चुके हैं और बहुत सारे डिटेल एनालिसिस भी मैंने अपने पिछले वीडियो में कर रखा था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, अगर आप चाहें तो वहां से जाकर देख सकते हैं। मैं अभी भी दावे के साथ कहता हूं टाटा पावर कंपनी लिमिटेड का फ्यूचर काफी ब्राइट नजर आने वाला है। इसके अलावा कुछ मेजर एस्पेक्ट में नजर डाला जाए तो ये कंपनी काफी एग्रेसिव नजर आ रही है और गवर्नमेंट के बहुत सारे डिस्कम एक्वायर करने वाली है। बहुत लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं होगा, लेकिन चूंकि मैं इसी फील्ड में काम करता हूं इसलिए मुझे ये आइडिया है। इस कंपनी ने पूरे उड़ीसा का मैक्सिमम डिस्कम बाय कर लिया है और आगे ये कंपनी बढ़ती जा रही है जितना भी अभी बैलेंस है। इसको आम भाषा में अगर समझने की कोशिश किया जाए तो उड़ीसा गवर्नमेंट जो पहले पूरे पॉपुलेशन को बिजली सप्लाई किया करती थी अपने गवर्नमेंट एजेंसी या गवर्नमेंट कंपनी द्वारा, उसमें बहुत सारे यूनिट टाटा पावर ने एक्वायर कर लिया है और हो सकता है आने वाले फ्यूचर में उड़ीसा गवर्नमेंट के पास जो बैलेंस डिस्कम बचे हुए हैं टाटा पावर कंपनी लिमिटेड उसको भी एक्वायर कर ले। ये तो एकमात्र स्टेट की बात रही जहां पर ये डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं आने वाले फ्यूचर में बहुत सारे स्टेट अपना पावर यूटिलिटी सर्विसेज सेल करने वाले हैं और किसी न किसी प्राइवेट हैंड में चला जाएगा और टाटा पावर कंपनी लिमिटेड उसमें बहुत बड़ा स्टेक लेने वाली है। इसके अलावा देखा जाए तो ईवी में भी टाटा पावर कंपनी लिमिटेड का बहुत बड़ा स्टेक रहने वाला है फ्यूचर में, क्योंकि सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन इसी कंपनी के पास रहने वाला है। हालांकि अब तक देखा जाए टाटा पावर कंपनी लिमिटेड का तो पिछले कुछ सालों में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, इसलिए इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में इसका रिटर्न वर्सेज एवरी रेट रेड जोन में है, क्योंकि 8 साल 10 साल का अगर डेटा देखा जाए तो इस कंपनी ने उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। ये कंपनी ठीक ठाक डिविडेंड
देती है, इसलिए डिविडेंड रिटर्न इसका ग्रीन जोन में है। फिलहाल ये शेयर ओवरबॉट जोन में भी नहीं पहुंचा है, इसलिए एंट्री पॉइंट भी इसका ग्रीन जोन में देखने को मिला है। और ये कंपनी एएसएम एजीएसएम लिस्ट में नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी कोई रेड फ्लैग देखने को नहीं मिल रहा है। इस शेयर का प्राइस इसके स्वाभाविक वैल्यू से ज्यादा है, जिसकी वजह से इंट्रिंसिक वैल्यू भी इसका रेड जोन में देखने को मिल रहा है। हालांकि ये बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है, क्योंकि अमूमन ऐसा देखा जाता है अच्छा परफॉर्मेंस देने वाली कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू रेड जोन में ही देखने को मिलता है। 6-8 महीने पहले तक देखा जाए तो टाटा ग्रुप के किसी भी कंपनी के शेयर में बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिलता था, क्योंकि पूरी टाटा इंडस्ट्री को ही स्लो मूवर माना जाता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में मैनेजमेंट में बदलाव देखने को मिला है, और जिसकी वजह से उनके बिजनेस में काफी एग्रेशन आ गया है, और उसका इम्पैक्ट इसके शेयर प्राइस पर भी देखने को मिला है। ना सिर्फ टाटा पावर, बल्कि अगर आप देखें पिछले 6-8 महीने का डेटा, तो टाटा मोटर्स हो, टाटा केमिकल्स हो, हर जगह बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को मिल रहा है, और इन सारे शेयर्स ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। ये रैली आने वाले टाइम में भी देखने को मिल सकता है टाटा ग्रुप में जितने भी कंपनी काम कर रही है उनके शेयर में। लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, टाटा ग्रुप के जितने भी शेयर को मैंने एनालिसिस किया, उसमें से 2 शेयर को मैंने पिक किया है, और मैं 100% कॉन्फिडेंस हूँ ये फ्यूचर में मल्टीबैगर बनने वाले हैं। उसमें से टाटा पावर कंपनी लिमिटेड भी एक है। अगर आप चाहें तो इसमें SIP के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या वन टाइम इन्वेस्ट करके भी 5-7 साल के लिए छोड़ सकते हैं। ना सिर्फ ये मल्टीपल आपको रिटर्न देगा, बल्कि ये कंपनी जिस हिसाब से एग्रेसिव नजर आ रही है, चाहे पावर डिस्ट्रीब्यूशन का क्षेत्र हो, सौर ऊर्जा का क्षेत्र हो, या इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाने का मामला हो, हर तरफ से इसके लिए केवल पॉजिटिव चीजें ही नजर आ रही है। इसका बिजनेस का ग्रोथ काफी तेजी से होने वाला है, और उसका इंपैक्ट इसके शेयर प्राइस पर भी देखने को मिलेगा। इसलिए एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड फ्यूचर का मल्टीबैगर है। अगर आप चाहें तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी ना सही, छोटा सा क्वांटिटी लेकर ट्राई कर सकते हैं, 5-7 सालों तक आप होल्ड करें, आपको यहाँ पर मल्टीपल रिटर्न मिलने की गारंटी है। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। फिर भी मैं कहना चाहूंगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।